So we are going to start a new lesson. The name of the lesson is Division. The name of the lesson is Division. Okay, have you heard about division? Yes, do you know how to divide? Yeah, do you know what division means? Yes, sir. Okay, you know? Yes, sir. Who knows? Who knows the meaning of division? Who knows the meaning of division? Okay, Sadia, stand up, beta. Tell me. Division means sharing equal groups. Sharing equal groups. Okay, sharing equally. Okay, good, beta. Clap for her, clap for her. Now, she told division means sharing equally. What? Division means sharing equally. What? Division means sharing equally. Or second thing, या हम कह सकते हैं making equal groups, या आप क्या कर सकते हो, equal groups बना सकते हो. ये क्या है, division की definition है. क्या है? Division की definition है. अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, partially equally share करना, हाँ ये होता क्या है, इसको हम कैसे करते हैं, इक्वल शेयर हम कैसे करते हैं. आप बोलोगे सर आपने बोला इक्वल ग्रुप्स होते हैं, वो कैसे होता है फिर, राइट? आपको नहीं पता है कैसे. ओके, अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हम इक्वल शेयर कैसे करते हैं. ठीक है, हम इक्वल शेयर कैसे करते हैं. ओके भाई, आई विल प्रोवाइड अ स्मॉल एग्जाम्पल एंड थ्रू दैट एग्जाम्पल यू विल लर्न व्हाट दिस इक्वल शेयर मींस. ओके भाई, okay, okay. Now for that I need three boys or boys, girls, three students need. Stand up, three students voluntarily. Okay, sit down. Salih, come here. Sadia, Nimra. Okay, here. Listen. Here, be here. Here, okay. Listen, see, huh? Let's consider. These are not my students. Okay. Consider this. These are my friends. What? These are my friends. Okay. I have 6 candies or 6 toffees with me. How many? How many? 6 toffees. Listen carefully. Okay, beta. अच्छे से सुनो. Yes, बात समझो. मैं क्या कहूँगा आपको. इससे आपको क्या समझ आएगा? जो आपने कहा अभी. क्या कहा आपने अभी? अभी आपने कहा sharing. क्या कहा आपने? Sharing equally. आपको मैं ये समझा रहा हूं ये sharing equally क्या होता है. Okay बेटा, sharing equally क्या होता है. मेरे पास कितनी candies है? 6. अब मैं दिखाऊंगा आपको हम share कैसे करते हैं. Okay. Now, मैंने मेरे पास कितने friends है? 3. Candies कितने हैं मेरे पास? 6. मुझे क्या करना है, मैं ये सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे ये कैंडीज अपने फ्रेंड्स में इक्वली शेयर करना है, ताकि सब मेरे फ्रेंड्स जो है, सालिक, निमरा, आदिल, ये जो मेरे फ्रेंड्स है, इन सबको बराबर क्या मिले, क्या मिले, बराबर कैंडीज या बराबर टॉफीज मिले इनको, इनका शेयर इक्वल हो. तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, मैं सिंपली जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम सबको इसमें से एक एक देंगे. क्या करेंगे? एक एक. अब देखो, हाँ बेटा कैसे, मैंने पहले सालिक जो मेरा पहला फ्रेंड है, मैंने उसको पहले एक कैंडी दिया. किस में से दिया मैंने? किस में से? जो मेरे पास 6 कैंडीज थी. ओके बेटा, 6 कैंडीज थी, राइट. दूसरा निमरा, राइट. दूसरा, थर्ड वन. और मुझे ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है. कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक मेरे पास जो कैंडीज है वो सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए. ओके, अभी मेरे पास और कैंडीज है, तो मैं वो स्टार्ट फिर से प्रोसेस करूंगा. क्या? जो मैंने पहले स्टार्ट किया, मैं फिर से वही स्टार्ट करूंगा. ओके, मैं फिर से एक कैंडी उठाऊंगा, वो अपने फ्रेंड को दूंगा, राइट. दूसरा कैंडी दूसरे फ्रेंड को. और स्टूडेंट्स क्या किया, क्या किया मैंने, मेरे पास जो 6 कैंडीज है, मैंने अपने फ्रेंड्स को दिया. क्या दिया मैंने? अपने फ्रेंड. मेरे पास कुछ बचा अभी. अब आप सीखोगे कि इक्वली शेयर क्या होता है. देखो, मैंने इस अपने फ्रेंड को भी दिया, सादिया मेरी फ्रेंड है, इसको भी दिया, निमरा
मेरी फ्रेंड है, मैंने इसको भी दिया। अब आपको कैसे पता है कि इनके ये इक्वली शेयर क्या होता है? तो फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमें काउंट करने हैं, क्या करने हैं, काउंट करने हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक एक के पास कितने कैंडीज आए। जरा सालिक आपके पास कितने हैं? टू कैंडीज। सादिया टू। निमरा कितने कैंडीज आए सालिक के पास? टू। सादिया के पास? टू। निमरा के पास? टू। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास 6 कैंडीज थे मैंने अपने फ्रेंड्स को दिए, बट 6 कैंडीज में इसका पार्ट क्या है, 6 कैंडीज में सालिक का, कैंडीज में सालिक का पार्ट क्या है? सालिक को कितने कैंडीज मिले? सादिया को कितने मिले? निमरा को कितने मिले? तो अब क्या पता चला आपको, अगर मेरे पास क्या है, 6 कैंडीज है, मैं उनको कैसे शेयर करूंगा? ठीक है, मैंने 3 लोगों में उसको कैसे शेयर किया, कितने आए? देखो मेरे पास 6 कैंडीज थे, फ्रेंड्स कितने थे मेरे? 3 फ्रेंड्स थे, उनको कितने आए? 2 2। अब आपने सीखा, क्या सीखा, इक्वली शेयर कैसे करते हैं, जो मैंने आपको यहां पर लिखा था, जो आप लोगों ने कहा डिवीजन इज शेयरिंग इक्वली, आपने सीखा डिवीजन क्या होता है, समझ आया? समझ आया क्या होता है डिवीजन, क्या होता है, शेयरिंग इक्वली। जो मेरे पास कोई भी चीज हो, अब कैंडी नहीं है, कोई और भी चीज होगा, तो जो मेरे पास फ्रेंड्स है या कोई भी मुझे हो जिसको मुझे देना है, उनमें वो इक्वली शेयर हो। मतलब जो पहले वाला स्टूडेंट है, जो पहला वाला पर्सन है, उसको भी क्या मिला, इक्वल पार्ट। जो दूसरा पर्सन है उसको भी उतना ही पार्ट मिला। जो तीसरा स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है उसको भी सेम वही पार्ट मिला जो पहले वाले को मिला। मतलब इन तीनों में इक्वली क्या हुआ शेयर, अभी क्या हुआ शेयर, अभी टॉफीज इक्वली शेयर हुए। आपको समझ आया डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, अब आपको मैं सिखाऊंगा, ये जो मैंने आपको डिफाइन किया है ये मैं बोर्ड पे कैसे लिखूंगा, ठीक है, ये मैं आपको बोर्ड पे कैसे लिखूंगा, बट उससे पहले हमें देखना है जो डिवीजन है उसका सिंबल क्या है, डिवीजन का सिंबल क्या है। जरा मुझे कौन बोलेगा डिवीजन का सिंबल क्या होता है? ओके, स्टैंड अप, राइट इट हियर, डिवीजन सिंबल, ओके गुड, ये है, क्या है, डिवीजन, क्लैप फॉर हिम, चलो ये क्या है, डिवीजन सिंबल। आपको पता है इस डिवीजन के और 2 सिंबल है, चलो बैठो, सिट डाउन बेटा आप, ओके क्लैप फॉर दिस, ओके सिट डाउन। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हमने अभी इक्वली शेयर किया, इसको हम बोर्ड पे अब कैसे लिखेंगे, उससे पहले हमें क्या सीखना है, जो सिंबल है डिवीजन का, जो सिंबल है, काशिफ ने अभी 1 सिंबल बोला हमें, ये क्या है, ये क्या है, बट आपको पता है कि इसके और सिंबल्स है, हाँ किसी को पता है? तो मैं आपको बोलूंगा इसके और 2 सिंबल्स है, मतलब टोटल में कितने सिंबल्स हुए, 3 सिंबल्स। पहला क्या है, डैश और ऊपर 1 डॉट, नीचे 1 डॉट, ये भी है डिवीजन का सिंबल, ओके आप ऐसे लिखते हो स्लैश, राइट, ये भी है डिवीजन का सिंबल, है ना। तीसरा आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, ये तीनों से आपको क्या पता चलता है, इन तीनों से आपको क्या पता चलता है, हमें क्या करना है, क्या करना है हमें, पहला वाला सिंबल काशिफ ने बोला, राइट, दूसरा वाला आपको पता है, दूसरा ऐसा भी है, इससे भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके। थर्ड वन जो आपकी बुक में ऑलरेडी है, ये भी सिंबल है, जिससे हमें ये पता चलता है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके बेटा समझ आया सिंबल क्या है ये, यस सर, ओके। नाउ जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम सिखाई, अभी डिफाइन करके सिखाया, अब मैं दिखाऊंगा बोर्ड पे आपको कि वो हम कैसे लिखते हैं, ओके वो हम कैसे लिखते हैं।
ओके लुक एट द बोर्ड नाउ. मेरे पास टोटल कैंडीज कितनी थी? सिक्स कैंडीज. कितनी? सिक्स कैंडीज. ओके बेटा, सिक्स कैंडीज. और मेरे पास मेरे फ्रेंड्स कितने थे? तीन. उन दोनों को कितने आए? कितने आए? अच्छा, अब आपने ये सिक्स कैंडीज जो है, मैंने उनको क्या किया? मैंने क्या किया? नहीं, डिवाइड नहीं, मैंने क्या किया? इक्वली शेयर. ये जो इक्वली शेयर होता है वो क्या होता है? डिविजन. क्या होता है? डिविजन. अच्छा, डिविजन का सिंबल क्या है? डिविजन का स्टैंड अप बेटा, डिविजन का सिंबल क्या है? ओके गुड बेटा, क्लियर फॉरवर्ड. क्या है डिविजन का सिंबल? तो मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे, सिक्स और थ्री के बीच में ये डिविजन का सिंबल डाल सकता हूं. मैंने क्या किया? मैंने सिक्स कैंडीज को थ्री अपने तीन फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके, अब उसके बाद क्या मिला? फिर मैंने क्या किया? मैंने अपने फ्रेंड से देखा उनको कितने कैंडीज मिले. कितने कैंडीज मिले उनको? टू टू. तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये ठीक है? क्यों है ठीक? क्योंकि हमने अभी सीखा, जब हमारे पास सिक्स कैंडीज थे, हमने अपने तीन फ्रेंड्स को मैंने क्या दिया? कैंडीज. तो हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक फ्रेंड के पास कितने कैंडीज आए? कितने कैंडीज आए? अब समझ आए ये कैसे लिखते हैं डिविजन फैक्ट हम? Yes, समझ आया? ओके गुड. सीखनी है उसमें. अब हमने ये डिविजन फैक्ट लिखा है, अब हमें पता ही नहीं है इस सिक्स को क्या कहेंगे हम, नहीं पता है. ओके, थ्री को क्या कहेंगे हम, टू को क्या कहेंगे हम? तो उसके लिए एक नया सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ, क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ डिविजन. क्या कहते हैं उसको? ठीक है, टर्म्स ऑफ डिविजन. जो ये सिक्स है इसको क्या कहते हैं? डिवाइडेंड. क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? डिविडेंड. डिविडेंड कहते हैं. क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. अच्छा, ये डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? अब द नंबर टू बी डिवाइडेड, वो नंबर जिसको हम क्या करते हैं? डिवाइड. वो नंबर कितने? मेरे पास वो सिक्स कैंडीज थे जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था. मेरे पास क्या था? सिक्स कैंडीज जिनको मुझे क्या करना था? डिस्ट्रीब्यूट करना था. उसको क्या कहते हैं हम? आप क्या इससे क्या समझा आपने? जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसको क्या कहते हैं हम? डिविडेंड. मतलब जिसके आपको शेयर्स बनाने हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. उसकी डेफिनेशन आप अगर बोलोगे द नंबर टू बी डिवाइडेड, वो नंबर जिसको आप क्या करोगे? डिवाइड. दूसरा क्या? ये जो थ्री है इसको आप क्या कहोगे? डिवाइजर. क्या कहोगे? डिवाइजर. क्या होता है डिवाइजर? वो नंबर होता है जिससे हम उस नंबर डिविडेंड को क्या करते हैं? डिवाइड. जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं. मतलब अब अभी आपने ये सीखा ये थ्री क्या था, कितने लोगों में मुझे शेयर करना है. समझ आया? कितने लोगों में मुझे ये शेयर करना है. तो थ्री क्या है? डिवाइज. थ्री क्या है? डिवाइजर. डिवाइजर का मतलब क्या है? द नंबर बाय विच टू डिवाइड, वो नंबर जिससे हम क्या डिवाइड करते हैं. ओके, थर्ड लास्ट वन. लास्ट वन क्या है? क्वोशेंट. क्या? अच्छा, ये क्वोशेंट क्या होता है? द आंसर. अच्छा, जो मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बोला, जो मैंने अभी कैंडीज के बारे में बोला, ये टू क्या है उसमें? कि कितना शेयर मिला इनको, कितने कैंडीज मिले. क्या इनको? कितने कैंडीज मिले. वो क्या है? क्वेश्चन. वो क्या है? क्वेश्चन. ओके, अब जो हमने कैंडीज दी उसमें जो सिक्स है, जो मेरे पास टोटल कैंडीज थे, वो क्या है? डिविडेंड. जो जिनको मुझे देने थे ये कैंडीज, मतलब मेरे फ्रेंड्स, वो क्या है? डिवाइजर. मतलब उनमें मुझे डिवाइड करना है ना, शेयर करना है. और जो मेरे फ्रेंड्स को
टॉफीज आए उसको क्या कहते हैं? कितने टॉफीज आए? कितने टॉफीज आए? टू। उसको क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन। समझ आया सबको? समझ आया सालिक? अब मैंने आपको अभी बोला डिविडेंड किसको कहते हैं, वहीं पर आप बैठा। डिविडेंड आप किसको कहते हो? जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है। गुड, क्लैप फॉर हिम। ओके, हु कैन टेल मी व्हाट डिवाइजर मींस? ओके, स्टैंड अप बेटा। ओके, द नंबर बाय विच डिवाइड, वो नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं। गुड, क्लैप फॉर हर। ओके, बस लास्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डिविजन मींस? ओके निमरा, डिविजन मींस व्हाट? डिविजन मींस, डिविजन क्या होता है? शेयरिंग इक्वली। ओके गुड, क्लैप फॉर हर। अब बेटा